कला गुजर सिंह पुलिस लाइन में कारी अब्दुल हन्नान ने नमाज ईद उल अजहा पढ़ाई। आईजी पंजाब जावेद इकबाल, सीसीपीओ लाहौर मलिक अहमद रजा ताहिर, एडिशनल आईजी सरमत सईद, एडिशनल आईजी मुश्ताक सुखेरा, साबिक डीजी एफआईए मलिक इकबाल, डीआईजी गुलाम महमूद डोगर, अली आमिर मलिक, रफीक हसन खान, असलम तरीन, कैप्टन अमीन, डॉक्टर आरिफ मुश्ताक, राय अल्ताफ कमर, सुहेल अहमद खान, खान बेग, एसएसपी शौकत अब्बास, तारिक अब्बास कुरैशी, शकील मिर्जा, शारिक कमाल, मजर फारूक, वसीम सियाल, राजा रिफत, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद अहमद मुबीन, एसपी शुएब खुरम, उमर सईद, हशमत कमाल, उमर विर्क, अवैस मलिक, जवाद कमर, अनवर खितरान और अथर वहीद समेत पुलिस अफसरान और अहलकारान की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सालमियत, दहशतगर्दी के खात्मे और डेंगू वायरस से निजात के लिए दुआएं मांगी गयी, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद दी। आईजी पंजाब जावेद इकबाल ने सीसीपीओ लाहौर मलिक अहमद रजा ताहिर के हमरा लाहौर पुलिस के खाक रोबों में ईदी तकसीम की। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने पुलिस अफसरान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईजी जावेद इकबाल और लाहौर पुलिस के अफसरान ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई, जबकि लाहौर पुलिस के बैंड ने धुनें पेश की। आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर ने बैंड के लिए 30,000 रुपए इनाम का ऐलान किया। लाहौर पुलिस के अफसरान ने ईद उल अजहा पर अमन अमान की सूरतहाल बरकरार रखने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ड्यूटी देने वाले अहलकारों को भी ईद की मुबारकबाद दी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जैनुल आबदीन, सिटी 42।